राजेश इलेक्ट्रॉनिक गुरु में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ड्यूअल सप्लाई डीसी सर्किट में ट्रेसिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि हम इसमें ट्रेसिंग का भी एक यूनिट इसके अंदर लेने वाले, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, ऐसे अलग अलग सप्लाई में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम आज यहाँ पे देख रहे ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कि चार डायोड जहाँ पे यूज़ होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, और सिंगल डायोड यानी कि एक डायोड जहाँ पे यूज़ होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, और दो डायोड का यूज़ करते हैं वो फुल वेव रेक्टिफायर में यूज़ होता है। ऑडियो सिस्टम में देख रहे हैं या वीडियो सेक्शन में देख रहे हैं, तो इसमें ड्यूअल सप्लाई ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ड्यूअल सप्लाई में हमें यहाँ पे देखना है कि ड्यूअल सप्लाई कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे फ्रेंड्स का कंफ्यूजन होता है कि ड्यूअल सप्लाई मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल सप्लाई क्या होता है। तो ड्यूअल सप्लाई यानी कि दो सप्लाई, यानी कि प्लस 12 और माइनस 12, ऐसे दो सप्लाई यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसे बोलते हैं ड्यूअल सप्लाई। जैसे कि सिंगल सप्लाई निकल रहा है, यानी कि एक ही सप्लाई यहाँ से निकल रहा है, तो वो सिंगल सप्लाई हो गया, एक प्लस और माइनस। इसमें क्या होता है, प्लस होता है और माइनस, यानी कि प्लस सप्लाई, यानी कि जैसे कि 12 वोल्ट प्लस में आ रहा है, 12 वोल्ट माइनस में आ रहा है, इसे बोलते हैं ड्यूअल सप्लाई। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन आज यहाँ से दूर हो जाएगा। तो हम यहाँ यूज़ कर रहे ट्रांसफार्मर से हम ड्यूअल सप्लाई को बना रहे हैं, जहाँ पे प्राइमरी यानी कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेक्शन जो है और ये सेकेंडरी सेक्शन है। प्राइमरी सेक्शन को सप्लाई दिया जाता है एसी सप्लाई 230 वोल्ट, यहाँ से आउटपुट मिलेगा। जैसे आप डिपेंड करते हैं आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते 6 वोल्ट से लेके आप 30 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका रिक्वायरमेंट है, डिपेंड है उसके ऊपर कितना सप्लाई आपको यूज़ करना है। लेकिन ये जो बेसिक है ड्यूअल सप्लाई का यही रहेगा। ब्रिज रेक्टिफायर आपको यूज़ करना है, उसके बाद 6 वोल्ट से 30 वोल्ट, इसके आगे के वोल्टेज भी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं हम सेकेंडरी में देखिए, यहाँ पे हमने लिया 12 वोल्ट या 0 वोल्ट और या 12 वोल्ट। आपको ट्रांसफार्मर कौन सा यूज़ करना है, सेंट्रल ट्रैप में, यानी कि 12 0 12, 18 0 18, या 6 0 6, या तो 13 0 13, या तो 30 0 30, यानी कि यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट क्या दे रहे सप्लाई के लिए। आपको ड्यूअल सप्लाई 12 में बनाना है या 24 में बनाना है या 30 में बनाना है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो प्राइमरी सेक्शन ये हो गया। प्राइमरी सेक्शन में प्राइमरी और ये सेकेंडरी सेक्शन से आप ले रहे माइनस, यानी कि 0 वोल्ट, 0 वोल्ट आपका यहाँ पे कॉमन हो जाता है, और यहाँ से दो सप्लाई यानी कि 12 12 यहाँ से निकल के आ रहे रेक्टिफायर में, ये ब्रिज रेक्टिफायर। अब यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 और 4। फर्स्ट डायोड को सप्लाई जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से सप्लाई जा रहा है सेकंड डायोड को। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ रिवर्स बायस में ये काम कर रहा है, ये डायोड जो है फर्स्ट नंबर का डायोड रिवर्स बायस में काम कर रहा है, और सेकंड नंबर का डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव दे रहा है और यहाँ से ये नेगेटिव दे रहा है, और थर्ड नंबर का डायोड जो है ये वही काम कर रहा है माइनस का, यानी कि रिवर्स कर रहा है, रिवर्स बायस बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, यानी कि 4 नंबर का डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये ब्रिज कंप्लीट हो गया। ब्रिज के बाद आते हैं कैपेसिटर का माइक्रोफेरेड। आपका करंट यानी कि ट्रांसफार्मर में करंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड है आपका यहाँ पे माइक्रोफेरेड लगाना। जैसे कि यहाँ पे यूज़ कर रहे 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, या तो 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है। जैसे कि ऑडियो सेक्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 एम्पियर तक यूज़ कर सकते हैं, तो 10 एम्पियर और 5 एम्पियर से, जैसे कि 5 एम्पियर आपने लिया, तो यहाँ पे कैपेसिटर जो है
यहाँ कैपेसिटर आपके लगेंगे 1000 माइक्रोफैरड, यहाँ वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, कैपेसिटर लगेगा यहाँ पे 25 वोल्ट। आपको माइक्रोफैरड बढ़ाना है, यानी कि यहाँ से माइक्रोफैरड को अप करना है या डाउन करना है। जैसे कि हम सीरीज में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सीरीज में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कैपेसिटर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बेसिक में, कैपेसिटर सीरीज में वर्क क्या होता है और पैरेलल में क्या वर्क होता है। अगर सीरीज में हम डायोड यूज़ करते हैं तो इसका माइक्रोफैरड जो है वो कम हो जाता है, और पैरेलल में यूज़ करते हैं तो उसका माइक्रोफैरड बढ़ता है। माइक्रोफैरड जैसे कि यहाँ 1000 माइक्रोफैरड, 1000 माइक्रोफैरड, 1000 प्लस 1000, तो ये हो गया 2000 माइक्रोफैरड टोटल। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि कैपेसिटर कितने हैं 2, दो कैपेसिटर से हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचता है 1000 माइक्रोफैरड। तो हम इसे सीरीज में करते हैं तो माइक्रोफैरड कम हो जाएगा। आपको क्या करना है, 1000 प्लस 1000, 2000 हो गया। अभी इसे क्या करना है, 1000 × 1000, इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यह आता है 1000000, 1000000 आ जाएगा। अभी इसे क्या करना है, 2000, जैसे यहाँ पे हमने प्लस किया था 2000 माइक्रोफैरड, यानी कि 2000 यहाँ पे देना है 2000, फिर इसमें से इसे माइनस करना है, ठीक है, फिर इसे डिवाइड करना है, 1000 बच गया, 1000 2 से डिवाइड कर दे 5, तो फाइनली यहाँ पे सीरीज में 500 माइक्रोफैरड यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 500 माइक्रोफैरड यहाँ सीरीज में आ जाएगा। माइक्रोफैरड कम हो गया, जब सीरीज में यूज़ कर रहे हैं तो इसका माइक्रोफैरड कम हो जाता है। देखिए यहाँ प्लस माइनस, प्लस और माइनस, या प्लस और माइनस दोनों साथ में आ गए तो यहाँ से निकलेगा 0 वोल्ट, यहाँ निकलेगा 0 वोल्ट, यहाँ से आएगा 12 माइनस, यानी कि -12 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे +12 वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। इसे बोलते हैं ड्यूल सप्लाई, +12 -12, और बीच में जो है वो 0 वोल्ट है। ये बॉडी के लिए अर्थ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम सप्लाई को रेगुलेशन भी कर सकते हैं, यानी कि आपको ये सप्लाई को रेगुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूँ, यहाँ 15 वोल्टेज है, 15 वोल्टेज को हमें क्या करना है, रेगुलेशन करना है। जब हम रेगुलेशन करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा आईसी। जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, 9 वोल्ट के लिए, 9 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई, यानी कि यहाँ ड्यूल सप्लाई हमें बनाने का है, बट यहाँ पे क्या यूज़ करना है, 9 वोल्ट, 9 वोल्ट का आपको यहाँ पे रेगुलेटर आईसी लेना है, 1 2 3, 9 वोल्ट रेगुलेटर आईसी। यहाँ से आपका इनपुट हो गया, यानी कि ये सप्लाई हो गया, यहाँ बीच में जो है वो ग्राउंड हो गया, और ये आउटपुट हो गया, यानी कि 15 वोल्ट से हम क्या कर रहे हैं, 9 वोल्ट को आउटपुट कर रहे हैं, तो 9 वोल्ट यहाँ से प्लस हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे दो आईसी आता है, एक माइनस और एक प्लस करने वाला, जैसे कि 7 8 12, ऐसा आईसी आता है 7 9 12, यानी कि 7 9 जो है वो माइनस के लिए यूज़ होता है और 7 8 जो है वो प्लस के लिए होता है। तो हम रेगुलेशन भी इसके थ्रू कर सकते हैं, आपका रिक्वायरमेंट जैसा रहेगा वैसा हम पावर सप्लाई को चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम
ट्रेसिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि सर्किट के अंदर ट्रेसिंग, यानी कि डीसी ट्रेसिंग कैसे होता है, डीसी सप्लाई यहाँ से एसी बन रहा है या ट्रांसफार्मर से एसी आ रहा है, एसी कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। फिर डायोड का काम है डीसी कन्वर्ट करना, यानी कि एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किया, डीसी सप्लाई यहाँ मिलेगा, यहाँ डीसी सप्लाई और यहाँ डीसी माइनस में और ये प्लस में। ट्रेसिंग इम्पॉर्टेंट है, कोई भी सर्किट रहेगा या कोई पावर सप्लाई रहेगा तो उसका ट्रेसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम ट्रेसिंग करते हैं, जैसे हम ये पावर सप्लाई का ट्रेस कर रहे हैं, सप्लाई यहाँ से मिल रहा है, ट्रेसिंग हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, यहाँ आ गया एक स्विच, यहाँ पे स्विच है, ये स्विच से सप्लाई यहाँ तक आ रहा है, यानी कि हम स्विच को चेक करेंगे, या स्विच ओके है तो सप्लाई यहाँ पे मिलेगा, ये फर्स्ट ट्रेसिंग हो गया। फिर यहाँ पे फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं हम, ये फ्यूज़ यहाँ से सप्लाई को लेके जा रहा है, यहाँ फ्यूज़ चेक करते हैं, फ्यूज़ भी ओके बता रहा है, यानी कि यहाँ तक हमने ट्रेसिंग कर लिया, ये ओके। फिर सेकेंडरी सेक्शन में जाएंगे, ये प्राइमरी सेक्शन का हो गया, ये ओके है। फिर सेकेंडरी सेक्शन में आएंगे, सेकेंडरी सेक्शन में तीन टर्मिनल्स है, 1, 2, 3, यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ कंटिन्यूटी मिल रहा है, या सप्लाई चेक कर रहे हैं, सप्लाई मिल रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर ओके। बट यहाँ पे सप्लाई कौन सा मिलेगा, एसी, एसी सप्लाई, डीसी आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, यानी कि ये रेक्टिफिकेशन हो जाएगा तब डीसी मिलेगा, यहाँ तक ये एसी हो गया। फिर डीसी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है सप्लाई, यहाँ से जीरो भी जा रहा है और यहाँ से एसी भी जा रहा है, एसी 15 वोल्ट यहाँ मिल रहा है, यानी कि ये ओके। फिर यहाँ से माइनस डीसी आ रहा है और यहाँ से प्लस डीसी, इसे भी चेक कर सकते हैं, तो चेक कर रहे तो डीसी सप्लाई मिल रहा है और माइनस सप्लाई मिल रहा है। पीसीबी के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें जो है सेफ्टी के लिए हम यहाँ कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं 100 NF में, जैसे कि माइनस और प्लस में, या कैपेसिटर नॉन पोलर कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं, या नॉन पोलर कैपेसिटर 100 N में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए। तो इसमें जो भी कुछ नॉइज रहेगा तो वो नॉइज़ यहाँ से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल में किस तरह से ट्रेसिंग किया जाता है वो देखेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।